हेलो फ्रेंड, वेलकम आप सभी का समथिंग स्पेशल में। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के नीम फेस पैक के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। तो हम बात करते हैं आज हिमालय नीम फेस पैक के बारे में। ये कितना आपके चेहरे पर फ़र्क दिखाता है या नहीं दिखाता है, ये अपने क्लेम पर पूरा उतरता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक वाइट कलर की ट्यूब टाइप पैकेजिंग में आता है, जिसका प्राइस है 170 रुपये और 200 ग्राम की ये ट्यूब बोतल है, जो काफ़ी हद तक ठीक है रेट के हिसाब से, जितनी इसकी क्वांटिटी है, जितना इसका रेट है। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हिमालय ब्रांड का नाम दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि ये 100% हर्बल है, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अगर यहाँ पर आप साइन देखेंगे, ये भी प्योर हर्बल का ही साइन होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। और इसके अंदर, इसके ऊपर लिखा है कि ये पिम्पल प्रोन स्किन, जिनके स्किन के ऊपर ज़्यादा पिम्पल्स हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। इसके अंदर लिया गया है नीम टर्मरिक। नीम और टर्मरिक हल्दी दोनों ही एंटीबैक्टीरियल हैं, दोनों ही आपके बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, ताकि आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो ठीक हो जाएं। साथ ही साथ इसमें ऐड किया गया है फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, जो आपकी स्किन पर एक कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके ओपन पोर को क्लोक कर देगा और आपकी स्किन को, स्किन फ्लूइड्स को बाहर निकाल देगा। और इस पर लिखा गया है कि ये आपके एक्सेस ऑयल को निकाल देगा, आपके पोर को क्लोक कर देगा और आपकी स्किन को एंटीबैक्टीरियल बना देगा और आपकी स्किन पर एक हेल्दी सा ग्लो भी देगा। तो ये सारे इसके क्लेम हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। ये देखिए, मैंने इसको यूज किया है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। अगर आप इसके प्रोडक्ट को देखोगे तो ये ऐसे ग्रीन कलर का है, ये देखिए, और ये काफी स्मूथ है, लगाने में भी आपको आसानी होगी। ये देखिए फ्रेंड, आपको इसे लगाना है 10 या 15 मिनट तक, ऐसा इसके ऊपर लिखा गया है। लेकिन आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो ये 10 मिनट में ही बिल्कुल सूख जाएगा और आपको नॉर्मल वाटर से धो लेना है। अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको कब से यूज कर रही हूँ और इसने मेरे चेहरे पर कितना असर किया है। मैं इसको लगभग 5 या 6 महीने से यूज कर रही हूँ। जब मैंने इसको फर्स्ट बार लगाया था अपने चेहरे पर, तब इसने मेरे फेस पर थोड़ी हल्की सी जलन की थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसने मेरे चेहरे को पूरी तरह बर्न कर दिया था या फिर मुझे रेडनेस आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने 10 या 15 मिनट के बाद अपना फेस वॉश किया तो मेरा जो स्किन था वो बिल्कुल स्मूथ, मेरे जो भी ओपन पोर थे वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन काफ़ी हद तक फ़र्क दिखा मैंने। और मेरा जो स्किन टेक्स्चर है वो भी मुझे थोड़ा लाइट लगा, मतलब कि ये आपकी स्किन को थोड़ा फेयर भी बनाएगा। जहाँ तक पिंपल और एक्ने की बात है, हाँ, आप इसको अगर लंबे टाइम तक यूज करोगे तो ये आपके एक्ने और पिंपल को भी रिमूव कर देगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, मेरे हिसाब से आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल देख देख के प्रोडक्ट लगाने चाहिए। अगर ये इसने मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे मतलब कि किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं होती, लेकिन इसने मेरे फेस पर हल्की सी जलन की है, तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो इसको ना लगाएं। अगर लगाने का फिर भी आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने थोड़े से हिस्से पर, मतलब कि आपके ईयर के पास थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। ओवरऑल आप ये जो नीम फेस पैक है वो आपके चेहरे पर वर्क करेगा, लेकिन स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करेगा, अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो। ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि इसने असर नहीं किया। प्राइस वाइज भी अच्छा है, क्वांटिटी वाइज भी अच्छा है, और इसका जो वर्क है वो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा है।
तो फ्रेंड ये था मेरा ओपिनियन। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी और फेस पैक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड ये था वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।